नमस्कार प्रणाम, हम गौतम। सबके प्रणाम, हम समर। का है कि कहा ना हूँ जी कि अश्लीलता 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 खाली चिल्लाए से ना हो भाई। का परिवर्तन होली न है, साक्ष और प्रूफ के साथ हम नहीं देवे स्क्रीन पे, और वो भी कोई लड़का और मतलब इनके जरिए ना। एक सेकेंड, रिकमेंडेशन दे वाला तो बड्डी हेल्थी हैशटैग मार के की मगहिया जवान डूइंग वेरी वेल वर्क, लेकिन जे एगो लगले ना एगो लड़की है भैया जो बतावे जाए था। बिल्कुल बिल्कुल, आज से अलग बिल्कुल आवाज जो रिकमेंडेशन आली ना है वो कोई आम के ना कह सकला है, कोई खास के ना कह सकला है, लेकिन हाँ जिकरा ला हमने आवाज उठावी थी आई एक बिहार की बेटी के द्वारा रिकमेंडेशन आली है, वो सुना देगा का कहलती ने से तो ना हम बतावी थी हो। इनकर नाम है प्रियंका सिंह, समझला हा, कनेक्टेड तो ना कह सकले ही हमनी से आती, लेकिन ए मगहिया जवान के अश्लील मुक्त भोजपुरी के मुहिम में समर्थन करा थी, आज तक करा, बहुत करा थी। इका करल थी से सुना, थोड़ा सा लाइन में बनल रहिया, वीडियो के थोड़ा शेयर करिया, ज्यादा तक दूर तक पहुंचाया है, ये पता चलती कि जमीनी स्तर से का सुधार हुई थी। बिल्कुल, ये प्रियंका सिंह जी कहा थी कि हालांकि भोजपुरी गानों से तो अश्लीलता हटाने का प्रयास कईयों ने किया, बहुतों ने किया सही बात, लेकिन परिणाम केवल मगहिया जवान को मिला। मगहिया जवान द्वारा चलाई जा रही मुहिम को ही दिख रहा है, और तो मैं मगहिया जवान की छोटी सी सपोर्टर हूँ, लिखती है वो बेचारी। बिल्कुल, आज तक मैंने किसी निजी तौर पर कोई पोस्ट नहीं किया मगहिया जवान के लिए, है ना, कोई पोस्ट नहीं किया, लेकिन आज मजबूरन मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा आभास हुआ, ताकि मैं कर रही हूँ। बिल्कुल, है ना, खुद को रोक नहीं पाई कह रहे हैं। अरे क्या है कि वो गांव से जा रही थी घर, है ना, वो शहर से घर आ रही थी, तो वहां आते वक्त छोटी सी चीज बता रही है। होता क्या है कि गया जंक्शन के ऑटो पर जैसे ही पहुंचती है वो, तो गाना एक बज रहा था ऑटो में। वो गाना के नाम था चोली के पीछे, क्या है चोली के पीछे, है ना, यही सब गाना। ये गाना बज रहा था जब वो स्टेशन गया जंक्शन पे पहुंची, और उनसे रहा नहीं गया, खुद को रोक नहीं पाई। एक ऑटो ड्राइवर बजा रहा था अपने ही ऑटो में जहाँ पे पहुंची। तो देखिए क्या होता है, उसके बगल में खड़े एक बस भैया कंडक्टर भैया आते हैं और उस ऑटो वालों को मना करते हैं कि तोड़ते हैं कि मगहिया जवान जो मुहिम चला रहा है नहीं देखते हो का, ऐसा कहीं उस भाई ने कहा जो मना करने आया। तो कहते हुए वहां से भोजपुरी अब बिहार में, हाँ बोलते हैं वो भाई जी कि भोजपुरी और हिंदी अश्लीलता बिहार में अब ऑटो बस ट्रैक्टर पर नहीं बजेगा, है ना। इस प्रकार से किसने कहा, कंडक्टर साहब ने बस गाना, कंडक्टर साहब। और जब इतना सुने, कौन सुना, मुरखवा जो चोली के अंदर बजा रहा था। इतना पर गनवा कर दिया वो बान। लेकिन उससे पहले बोला कि भोजपुरी कहाँ है, ये तो बॉलीवुड है। तो ये भैया बॉलीवुड में भी अश्लीलता है, उसका विरोध हम नहीं कर रहे हैं, बाद में बताएंगे, पहले वाला कहानियां पहले। वही शुरू में भी कहते आए हैं कि पहले घर को हम सुदृढ़ कर ले, सुधार ले, घर को सुधार ले, अपने जिला को सुधार ले। पूरा गांव में आग लगल है तो पहले अपन घर पे पानी डालेंगे, ना तो पता चलो कि मुंबई में लगल हो तो दौड़ जाऊं घर छोड़ के, ऐसा कार्यक्रम हमने ना करते हैं। तो कहते हैं प्रियंका सिंह जी की हम स्पीचलेस हो गए, मतलब एकदम स्तब्ध हो गए, चुप हो गए, वाह इसको मतलब बोलते हैं जमीनी सुधार। इससे पहले प्रियंका जी भी सोचती थी कि फेसबुक पर आके और बक देवे से कुछ नहीं जाता है, और प्रियंका जी टाइप का सोच अधिको अनेको लोगों का होगा। बिल्कुल, लेकिन कह नहीं पा रही, बता नहीं पा रही, बहुत सारा सुधार हो रहा है जी। तो फिर वो कहती है कि ऑन स्क्रीन तो बदलाव बहुत दिखा, लेकिन स्क्रीन पे मतलब ऑफ स्क्रीन जमीनी स्तर पे ऑन ग्राउंड पहली बार देखने को मिला। जो लोग ये बोलते हैं उनके लिए भी एक बढ़िया सबक है कि कोठवा पर आके काहे बोल देते हो, नीचे भी जाके बोला करो है ना भैया। ही से जब काम हो रहा है बढ़िया तो भी जाएंगे, आ रहे हैं 10 दिन जमीनी स्तर से भी हम चीजें करके दिखाएंगे, बातें चल रही है, प्लान बन रहा है, 10 दिन देखिएगा हमने किस तरह के मुहिम जमीनी स्तर से चलाएंगे, है ना। तो ये सब चीजें हुई, फिर उस वक्त ना बोलते थे ना हमारे ही क्या था, हाँ, मगर अब जब बजाने वाला एक है तो रोकने वाला आप हजार हो गए, ऐसा कहना है प्रियंका जी का। और लोग कहता है कि नहीं नहीं नहीं, तो मैं कहती हूँ कि इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मगहिया जवान को जाता है, और हम मगहिया जवान के हैं, इसलिए हम ई बोलेंगे कि ई क्रेडिट
मगहिया जवान के हर एक परिवार को जाता है जो हमारे साथ खड़ा है, देखते हैं और शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं। और उनका कहना है कि हालांकि टैग की है हम दोनों भाइयों को, कि गौतम जी और समर जी को दिल से शुक्रिया जिन्होंने हम लड़कियों को इतना कंफर्ट फील जर्नी मार्केट दिया और हर तरह से पब्लिक परिवहनों में एक कंफर्ट जोन से जाने के लिए हम लोग को रास्ता बताया। तो हम तो कहेंगे पहले प्रियंका जी को कि आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया मगहिया परिवार करता है कि आप अपने बातों को ऑन स्क्रीन पे रखा ताकि हम लोग आज प्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि फिर से मैं बता दूं, इनसे किसी तरीके का कोई पहचान जान हम लोगों का और नहीं, कोई सेलिब्रिटी वगैरह भी नहीं है कि हम लोग वीडियो बना दे सही बात है बना दे रहे हैं। लेकिन हाँ, जो जैसा कहेगा और मगहिया परिवार को लगेगा कि कहना चाहिए करना चाहिए, हम लोग करेंगे। और हम लोगों का ये फीडबैक था भाई, हम लोग ऐसा फीडबैक खोजते हैं, अपने अपने परिवार को दिखाएंगे। दूसरी बात ये कि प्रियंका जी एक चीज बोली है कि हम भी एक छोटू सा सपोर्टर हैं। बिल्कुल, तो सपोर्टर छोटू सा और बड़ू सा नहीं होता है, सपोर्ट करना, देखना, शेयर करना ही बहुत बड़ा सपोर्ट और है। आपने जो फीडबैक दिया है शायद अब तक किसी ने नहीं दिया था। और हम तो जब भी लाइव आते हैं अपने पर्सनल पे से समर आता है हम आते हैं तो लोगों को जोड़ के यही पूछते हैं, बताइए आपके यहाँ क्या सुधार हो रहा है, क्या सुधार हो रहा है ना। तो सुधार यही हो रहा है कि देखिए आज मगहिया परिवार आप सबका नाम किसी बिहार की बेटी ने ली और कहा कि कहीं ना कहीं आज कंफर्ट जोन में बेटियां माँ बहने चल रही है, फुहरता से बच रही है, उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ मगहिया परिवार को जाता है। बिल्कुल, तो इसी प्रकार से आप सब फीडबैक देते रहिए। नमस्कार, प्रणाम, जय मगह, जय बिहार।